तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने तो इंटरनेशनल फ्लाइट पर 31 मई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, अब उसको बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फ्लाइट चालू होगी और कौन सी फ्लाइट बंद रहेगी, तो इस वीडियो में हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। पर इससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर नए आ गए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहेगी और आप लोग वीडियो को देख सकते हो। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, और प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और यह जानकारी आप लोग दूसरों तक जरूर शेयर कर दीजिए। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइटें मई में चालू हो जाएगी, तो उन लोगों तक आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल जाएगी कि अब इसको बढ़ाते हुए 30 जून कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका वीडियो को शुरू करता हूँ, मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूं, तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर जारी प्रतिबंध को बढ़ाने का फैसला किया है। अब 30 जून तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट की सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि इंटरनेशनल कार्गो प्लेन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और एयर बबल के तहत जिन देशों के लिए हवाई सेवा खोला गया है उस पर भी इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। इससे पहले शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस को 31 मई तक सस्पेंड करने का फैसला लिया गया था और वंदे भारत मिशन और ट्रेवल बबल के अंतर्गत जारी विमान सेवाएं पर कोई असर नहीं होगा, ये हवाई सेवाएं जारी रहेगी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं DGCA ने इसका ट्वीट करके ये जानकारी दिया है। इस वायरस महामारी संकट के बीच सरकार ने 23 मई 2020 को ही शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट की सेवा पर रोक का आदेश जारी किया था, लेकिन हालात कंट्रोल में नहीं होने के कारण 14 महीने से इस सेवा पर रोक जारी है। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन और एयर बबल के तहत अलग अलग देशों के साथ हवाई सेवा दोबारा चालू किए गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले अप्रैल में इस वायरस महामारी की नई लहर के बाद दर्जनों देशों ने भारत के साथ एक बार फिर से हवाई सेवा को तत्कालीन रोक दिया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोग दूसरों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार वालों का विशेष ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय।